तो आज हमारे ऑनलाइन क्लास में 11th हिंदी मीडियम के बच्चे देखेंगे आपका कुछ पोर्शन अभी एक आध एक्सरसाइज कुछ छूटा था वो CBSE के हिसाब से, लेकिन अब नहीं है। अभी हमको जो गाइडलाइन कोई छूट नहीं है MP बोर्ड वालों को, ठीक है। तो जो बचा हुआ तुम्हारा 1.5 एक्सरसाइज बचा था, तो आज अपन उसको पढ़ेंगे, ठीक है। 1.5 ये आज पढ़ना है। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.5 पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय क्या होता है? देखो पूरक समुच्चय माना कोई समुच्चय है तब A के पूरक को A डैश से लिखते हैं और जहां A डैश का मीनिंग होगा U-A, ठीक है। देखो U क्या है, ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है, और पीछे पड़े हैं A एक समुच्चय है, और इसके बाहर ये जो बचेगा तो A में नहीं है, ये जो बाहर वाला छाया से बाहर A में नहीं है, इसको हम बोलते हैं A का पूरक समुच्चय, ठीक है ना। एक विशेष बात क्या है, तुम लोग देखो अगर कोई X जैसे कोई अवयव जो X में है वो किस में नहीं होगा, वो इसके पूरक में नहीं होगा, और अगर वो इसके पूरक में है तो किसमें नहीं होगा, वो इस समुच्चय में नहीं होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखने की बात है, ये है हमारा पूरक समुच्चय, ठीक है। अच्छा अब जैसे इसमें क्या है पूरक समुच्चय में, यहाँ पर देखो ये माइनस आता है दो समुच्चय का अंतर, तो ये दो समुच्चय का अंतर भी मैं छोड़ा था, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। ये पीछे एक्सरसाइज नहीं था, लेकिन आपको पूरा पढ़ना, ठीक है। तो दो समुच्चय का अंतर जैसे a माइनस बी इसका एक्स है, एक्स बिलोंग ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, मतलब एक्स ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। बी माइनस ए एक्स दैट एक्स बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, ठीक है। तो इसको देखो जैसा कि हम बाई डायग्राम में देखते हैं, वैसे देख सकते हैं ए ए है बी है ए में है तो लेकिन बी में नहीं ए माइनस बी, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर ए ए और ये बी होंगे तो ये बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, ये हो जाएगा बी माइनस ए, ये बैंक चित्र में इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अब जैसे मान लो कोई एक उदाहरण है, एग्जाम्पल यदि ए बराबर 1, 2, 3 और बी बराबर 3, 4, 5, 6 तो ए माइनस बी हुआ बी माइनस ए। तो देखो पहले हमको निकालना है ए माइनस बी 1, 2, 3 माइनस 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अब देखो जो दोनों में मिले वो कौन कौन सा मिले, केवल 3 कटना है बस बाकी दोनों में, तो जो बाएं तरफ बचेगा ना वो आपका ए माइनस बी का उत्तर हो जाएगा ना। तो बाएं तरफ क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी ये 1, 2 जो है इसका, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर देखो b माइनस ए, अब हम इसे में b माइनस ए निकालते हैं, b माइनस ए क्या होगा, b कितना है 3, 4, 5, 6 माइनस ए कितना है 1, 2, 3, ठीक है। तो दोनों में कौन कौन सा है, ये बचा क्या आपके पास है 4, 5, 6 ये आ जाएगा
तो इस तरीके से ये इसका परिभाषा हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी। तो पहला इसका है गुणधर्म, नंबर एक, अगर किसी गुणक दो बार नहीं तो खत्म हो जाएंगे। दूसरा यू डैश बराबर फाइव, तीसरा फाइव डैश बराबर होता है यू माइनस यू, और क्या होता है ए ए डैश बराबर यू, और पांचवा है ए इंडेक्स सिक्सल ए डैश बराबर फाइव, और छठवा है ए यूनियन बी, इसका पूरक बराबर होता है इसको बोलते हैं डिमार्गन्स नियम, इसको बोलते हैं डिमार्गन ला नियम। और अगर यहाँ देखें यूनियन है तो इंटरसेक्शन बदल जाता है, संघ सर्विष्ट बदल जाएगा, और जो सर्विष्ट है वो बदल जाएगा संघ। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं, ये प्रॉपर्टीज को जो थोड़ा हार्ड हार्ड वाले हैं ना वो मैं बता देता हूँ जो आपको हार्ड लगेगा। तो सबसे पहले पहला बात देखता हूँ सिंपल है, जैसे सेकेंड से हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड, तो फाइव डैश अब हमारा जो कंडीशन है एडा है ये यू माइनस है ना, यू में से अगर हम जब किसी समुच्चय को घटा देते हैं तो हमारा क्या बचता है, ये ए डैश बचता है पूरक समुच्चय में। ठीक है, तो यू डैश कितना होगा यू माइनस। अच्छा, अब यहाँ ए की जगह क्या है यू है, तो यू माइनस, लेकिन ये जीरो नहीं होगी, ये क्या होगा आइए। ठीक है, फिर देखो थर्ड फाई डैश यू माइनस फाइव, यू में से फाइव क्या है कुछ भी नहीं, यू में तो बहुत बड़ा है यू सब से फाइव हटा देंगे कितना बचेगा यू। ठीक है, फिर देखो फोर ए यूनियन ए डैश, अब जैसे ये आपने दिया हुआ है। ठीक है, ये ए है, आप इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देख सकते, फोर ए यूनियन ए डैश वाला एलएचएस आएगा, ए यूनियन ए डैश एक्स एस दैट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन ए डैश, इसका मतलब होगा एक्स एस दैट एक्स बिलोंग टू ए आर एक्स बिलोंग टू ए। ठीक है, इसका मतलब हो गया x किस प्रकार से है r, ये संघ को हम इसको किया हिंदी में लिखते हैं ऐसे, अब इसका क्या मतलब होगा x a में तो है और x इसमें है, इसका मतलब किसमें नहीं है a में नहीं है, तो ये हमारे पास दो विपरीत बात है, अरे भाई x a में है और x a में नहीं है, जब x a में नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, भाई ये a है और ये क्या है a डैश है, तो अगर इसमें है तो सही है और इसमें नहीं है तो इसमें जाएगा बगल में, लेकिन रहेगा किसके अंदर यू के अंदर, इसलिए ये बराबर क्या आ गया यू भाई बराबर हो गया। तो इस तरीके से एल एच एस बराबर हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इसको अगर सिद्ध कर सकते, और इसमें बहुत ही जो जरूरी चीज है वो है डिमार्गन्स ला, ठीक है, तो डिमार्गन्स ला को सिद्ध करना है। तो ये है डिमार्गन नियम, डिमार्गन नियम क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कंप्लीमेंट, ठीक है, दो है पहले जैसे दूसरा हो जाएगा तो पहले पहला हो गया, इसका एल एच एस, एल एच एस है ए यूनियन बी डैश। ठीक है, तो ए यूनियन बी डैश इसका मीनिंग है एक्स एस दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश, एक्स एस दैट
देखो अब अगर ये इसमें है, इस समुच्चय में है, यूनियन बी में है, तो ये किसमें नहीं होगा? ये यूनियन बी में नहीं होगा भाई, इसकी पूरक है। अगर ये पूरक है इसका मतलब इसमें नहीं होगा। चलो अब मान लो हमारा अगला क्या निकला कि भाई एक्स इसमें नहीं है, ए में। तो जब एक्स ए संघ बी में नहीं है इसका मतलब ना तो ए में होगा और एक्स ना तो बी में होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि x किस में हुआ भाई? x a में हुआ। a डैश x किस में आएगा? इसके पूरक में आएगा। यहाँ भी किस में आएगा? इसके पूरक में आएगा। तो इसका मतलब आ गया कि x आ गया a डैश सबलिस्ट b डैश में। और इसका मीनिंग हो गया यहाँ पर कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश इजी प्रोसेस हो गया। तो LHS ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ऐसी तरीके से पूछना होगा। चलो अब हम चलते हैं इसके, ये हो गया इससे पूरे फंडामेंटल। अब हम एक्सरसाइज 1.5 का है ना कुछ क्वेश्चंस देते हैं। देखो तो उसके पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, तो मतलब आपके सारे क्वेश्चन जो है वो उसी तरीके से बन जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल बने रहा हूँ आपका, वो क्वेश्चन फर्स्ट सेम है या हम क्वेश्चन एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के सेम यू बराबर है 1 2 3 4 5 7 ए बराबर है 1 2 3 बी बराबर है 3 4 5 और ये दिया है। तो ए माइनस बी बी माइनस ए ए डैश बी डैश ज्ञात कीजिए। ये तो मैं पीछे में दो उदाहरण बताया हूँ, ए माइनस बी और बी माइनस ए, है ना, नीचे बता चुका हूँ, उसी से लगेंगे। अब डैश कैसे लिखा? तो आपको यू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। ए डैश क्या होगा? यू माइनस ए, यू माइनस ए क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ए 1 2 ठीक है 1 2 3। तो देखो ये दोनों में से निकल गया, बचा क्या हमारे इस साइड, जो भी बाय साइड बचेगा ना ये आपको पूरा सब हो जाएगा 4 5 6 ठीक है। इसी तरीके से हम देखो बी डैश निकाल देंगे यू माइनस 1 2 3 4 5 6 7 बी कितना है हमारा 3 4 5 तो इज इक्वल टू क्या बच रहे हैं 1 2 3 आ गया ये डैश, तो ये डैश हो गया आपके ये डैश। इस तरीके से कोई भी चीज तुम इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसमें ये तो पिछले ही में बता ही चुका हूँ पिछले उदाहरण में, तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ना इसमें 3 4 5 कितने क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। तो पहला तो एकदम इसी एग्जाम्पल में जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही चीज पूछा है, सही 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है यदि u बराबर a नंबर 1
ए बराबर ए बी सी, दो बी बराबर डी है। तो हम बात करते हैं इसके पूरे, ठीक है, इसका हल। पहले हम क्या पूरा निकालना है, ए डैश कितना होगा, ई टू माइनस थ्री, ठीक है, ई देखो यहाँ पर कितना है, ए माइनस ए कितना है, ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी निकालो, ए निकालो यस। अब क्या बचा आपके जंग साइड में, यहाँ बचा ई ई एफ ई और, ठीक है, बी डैश देखो, बी डैश है यू माइनस थ्री, यू है ए बी सी डी एफ जी एच माइनस बी डी ई एफ जी डी ई एफ सी बी डी एफ। तो यहाँ पर क्या है, ए बी सी और ये आ गया एच, ठीक है। तो जो भी बाएं साइड में बचे इस तरफ में, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूरा से बचे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज ये छोटा था थोड़ा सा, है ना, पहले चैप्टर में, और इसमें दो समुच्चय अंतर ए माइनस बी, बी माइनस बी से वो ही छोटा था, वो भी बता दिया, और इस तरीके से है ना ये हमारा चैप्टर वन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो हमसे फोन में भी पूछ सकता है ना। थैंक यू।